हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं सेकंड पार्ट पे कॉम्प्लेक्स नंबर के। और फर्स्ट पार्ट सभी लोगों को समझ में आया होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लगता है और मैं ये देख रहा हूं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर हम छोड़ के जाने की सोच रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि छोड़ के ना जाएं, एक बार पढ़ के तो देख ले। एक बार जो वीडियो बनाया, आधा घंटे का वीडियो है, एक बार देख लेना भाई, फायदा हो जाएगा। ये वीडियो भी इसी तरह का जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहली बात मैंने आपको सर्कल बता दिया था, सर्कल की इनइक्वालिटी के मॉड ऑफ जेड अगर लेस देन होता तो सर्कल के अंदर की बात होती, सर्कल के बाहर की बात होगी, हमने ये बात कर ली थी। हमने थ्री इंपोर्टेंट टर्म्स जो है उसमें जेई मेन्स में जो बेसिक पूछा जाता है, ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहें कि जितना पढ़ा दिया है उतना काफी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट बता दी थी, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मॉड्यूलस की, सारी प्रॉपर्टी ले रहा हूं, एडवांस की हैं, मेंस में यूज नहीं होती। और आर्गुमेंट क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं ले रहा हूं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, तीन टाइप है। उसके बाद हम क्यूब रूट ऑफ और एंथ रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और एंथ रूट ऑफ यूनिटी, इतने में आपका काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हम बात करेंगे। अब हम क्या बात करने वाले हैं इसको समझे, तो शुरुआत कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज। मैं क्वेश्चन भी इसमें लेने वाला हूं, जो भी 2019 से 21 के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आए हैं वो हम जरूर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, काम की चीज पढ़नी है केवल और केवल, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ Z1 into Z2 is modulus of Z1 into modulus of Z2. ये दो के लिए, पांच के लिए, दस के लिए, हजार के लिए, सबके लिए यही है, ठीक है। Modulus of Z1 upon Z2 is equal to modulus of Z1 upon modulus of Z2. Third, modulus of Z की power, Z to the power n का modulus is modulus of Z की whole power n. इसी से आया है, Z1, Z, 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 n वाले ले, तो ये था, तो वो बनेगा मॉड्यूलस दैट एन टाइम, तो दिस वन, ठीक है। फोर्थ, मैंने आपको बता दिया था मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर केवल मॉड्यूलस ऑफ जेड लिखा है, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ जेड ले लो, मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड ले लो, मॉड्यूलस ऑफ जेड बार ले लो, मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड बार ले लो, क्या फर्क पड़ता है। आपने ये ले लिया 2,3, दिस इज जेड, जेड बार यहां पर आ गया 2,-3, माइनस जेड की इधर आ गया -2,-3, माइनस जेड बार करोगे इधर चला जाएगा -2,3, क्या फर्क पड़ रहा है। इन सभी की ओरिजिन से डिस्टेंस देख लो, सबकी ओरिजिन डिस्टेंस सेम रहेगी, मतलब सभी का मॉड्यूलस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि मॉड्यूलस में माइनस साइन लगे या प्लस साइन लगे, रियल पार्ट अगर निगेटिव में भी है तो उसके स्क्वायर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में तो भी इसका स्क्वायर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब हम एडवांस के बारे में बात करेंगे तो एडवांस में मैं फिर से, हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर में एडवांस में पढ़ाऊंगा तो जितना अभी पढ़ा दिया है उससे आगे बढ़ूंगा, तो कम से कम आप इतना पढ़ के रखिएगा जो मैं जेई मेन्स में बता रहा हूं, उससे आगे जाने वाले हम, तो एडवांस के लिए भी हिम्मत रखिएगा थोड़ी सी, कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैं अभी यहां पर नहीं ले रहा हूं, वो मैं वहां पर लूंगा, ठीक है, किसमें, एडवांस में जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। यू कैन इमेजिन एक्स प्लस आई वाई योगा एक्स माइनस आई वाई, कितना हो गया भैया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। व्हाट इज आई स्क्वायर, इट इज माइनस वन, तो प्लस वन, सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमें पता है अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ जेड बोलता हूं, सो इट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होती है, जैसे एडिशन का केस देखो, कभी तुमसे दो मॉड्यूलस का के सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूलस पूछ ले, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूलस पूछ ले, तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है, ठीक है। आप कहो सर Z1 Z2 की वैल्यू डाल दूंगा, रियल पार्ट अलग कर लूंगा, इमेजिनरी अलग कर लूंगा, उसका मॉड्यूलस ले लूंगा, बिल्कुल सही कह रहा है, एब्सोल्यूट राइट, Z1, Z2 दिए हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके मॉड्यूलस ले लेंगे, बिल्कुल सही है, अगर Z1, Z2 दोनों दिए हैं।
अगर एक दिया है दूसरा नहीं दिया, मान लो जेड टू दिया हुआ है, गिवन है टू प्लस थ्री आई, जेड वन नहीं दिया है, हम एक्स प्लस आई वाई मान लेंगे, उससे भी जाएगा। बट दोनों ही नहीं दिए, दोनों का सेपरेट मॉडुलस दिया है लेकिन दोनों नहीं दिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, हम इसमें रूट लगाते हैं और जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर बना लेते हैं और इसका यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं जनरेट कर रहा हूं यहां पर, मेरे पास समझ में आ रहा होगा। अगर जेड वन जेड टू दोनों ही अननोन हो तो ऐसा किया जाता है, जेई मेंस में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आपको जेई मेंस के लिए एक बात दिमाग में रख लेनी है कि कोई भी क्वेश्चन आए, अगर सिंगल जेड है तो एक बार एक्स प्लस आई वाई मान के शुरू तो करना, ठीक है। 90% क्वेश्चन एक्स प्लस आई वाई मान के बन जाते हैं विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट, ठीक है। जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, मैं इसमें ये वाला प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कैसे, ये z की जगह लिखा है जेड वन प्लस जेड टू, तो z इंटू जेड बार होता था, बिना मॉडुलस के लिखेंगे जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू बार, ठीक है। ये z मॉडुलस z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार। अब आपको कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं, ये सेपरेट हो गया, मतलब जेड वन बार प्लस जेड टू बार हो गया। नाउ प्रोडक्ट कर लें, तो z1 का दोनों में प्रोडक्ट करो तो z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार और प्लस z2 z2 बार, बस इसके बाद फॉर्मूला बन जाता है, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर। अरे यही प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगा ये वाला मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर z1 z2 बार सॉरी प्लस z1 बार z2। बच्चों इसको भी आगे मैनिपुलेट किया था लेकिन कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है। इसके आगे के जो क्वेश्चन होते हैं जो एडवांस के कंसेप्ट हैं वो आगे आते हैं, कहीं पूछा नहीं आता, ये दिमाग में रखिएगा। तो एक तो कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, कम से कम ये पांच प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कुछ लोग कहते हैं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी से बता दीजिए, कैसे आई है ये बताना अगर जरूरी नहीं हो तो मैं एक मॉडुलस की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि अगर समेशन में मॉडुलस ले ले या सब्ट्रैक्शन में ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, किसी में भी ले ले, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू। ये ट्राइंगल से आता है बेसिकली, मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू। बच्चों मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। हाँ एडवांस के लिए अगर ये भूल गए तो हो सकता है इस पर एक क्वेश्चन जरूर आ जाए, एडवांस में ये बहुत यूज होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी है कि ये बेसिकली दो साइड का सम जो है ट्राइंगल के दो साइड बनेंगे, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ये Z1 है ये Z2 है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी मॉडुलस ऑफ Z1, ये लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ Z2, ये लेंथ होगी मॉडुलस Z1 माइनस Z2। तो दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा, इस तरह से। और इक्वालिटी कैसे लगती है, ये बहुत लंबे केस है जो ये एडवांस में यूज होते हैं, नहीं पढ़ना है अपने को, अपने को ये पांच प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है, इसका यूज होगा ज्यादा ज्यादा। देन अपन आते हैं आर्ग्यूमेंट पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे का हाल, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और उसके बाद एक आखिरी चीज देखेंगे, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एंथ रूट ऑफ यूनिटी भी कोर्स में नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं तो सिलेक्टेड पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत काम की है और आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। क्या मतलब है मैं समझाता हूं, जैसे मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, बच्चों सभी लोग ध्यान लगाएं इस तरह, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट है जेड, ये ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा, हम इसको एरो से दिखाते हैं, मतलब ओरिजिन से इस तरफ डायरेक्शन ये है, क्यों ऐसा, अगर मैंने डायरेक्शन ये किया तो इसको उठा के यहां पे रखना पड़ेगा तो पाई प्लस थीटा होगा, मतलब यहां पे अगर मैंने जेड लिया इसको ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों का आर्ग्यूमेंट थीटा नहीं होगा, इस तरफ के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर उनके वो यूनिक आर्ग्यूमेंट रखेंगे, दैट इज पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो डायरेक्शन देना पड़ता है, अब
ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, तो हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, और वी कैन से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है, कैसे, अरे कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट होगा टेन इनवर्स, आर्ग्यूमेंट होगा थीटा विल बी टेन इनवर्स वाई, अरे टेन थीटा निकाला उसे थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, ये सफिशियंट केस नहीं है, कैसे बनता है अल्फा लेते थे वो सब मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया, अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख ले, नहीं तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी समझने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जरा सुनना ध्यान से, ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि मैंने ऐसे लिखा एक्स प्लस आई वाई थीटा, हम कहते हैं क्या होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी वाई बाय, ठीक है, इसको ऐसे याद मत करो, फिर अपन इसको इधर ले लेंगे टेन थीटा क्या हो गया वाई बाय एक्स, दिस इज नथिंग बट स्लोप, इट इज अ स्लोप, स्लोप इज वाई बाय एक्स एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसको ऐसे याद मत करो, इसको ऐसे याद करो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नथिंग बट जेड माइनस जीरो प्लस जीरो है, इसको ऐसे लेने सीखो कि जेड की जो पहले लिखा है उसकी जेड डायरेक्शन रखा है जेड से जीरो की तरफ। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपसे ये कहूंगा होगा यही, आप माने या ना माने, मान लो ये रियल है, ये कोई रियल वैल्यू है जेड माइनस ए इक्वल टू थीटा, इसका अगर मैं आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो मैं ऐसे कह दूंगा एक्स माइनस ए रियल पार्ट अलग करो इमेजिनरी पार्ट अलग करो, ठीक है, ये बन जाएगा टेन इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल बटू थीटा, अगर आप इसको बदल लें तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये था जेड और ये था ए, ठीक है, ये था एक्स कोमा वाई, तुम देखो स्लोप यही आ रहा है, स्लोप क्या होता है टेन थीटा क्या होता y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो बेसिकली z को अब डायरेक्शन ये रखते हैं, जो पहले लिखा जाता है z को a से ज्वाइन कर रहे हैं, z माइनस ए हो रहा है, वेक्टर प्रॉपर्टी थी ना हेड माइनस टेल, z माइनस a जो है वो थीटा है, मतलब z ये टेल से हेड की तरफ जा रहे हैं, एंगल कितना बन रहा है x एक्सिस का थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अब x एक्सिस भूल जाऊं, मैं कहूंगा अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू थीटा, व्हाट इज इट मीन, आर्गन प्लेन यहीं पे छूट गया, ये है z1 ये है z2 तो ज्वाइन किया, डायरेक्शन ये रख रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट बना है इसको अगर मैं आगे ले जाऊं तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा, ठीक है, मींस इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स ऑफ, इसे x1 y1 इसे x2 y2 अगर हम कहेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा इक्वल टू थीटा, सो इट इज टेन इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, ये फिर से आ गया वही स्लोप इसका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो बेसिकली जो पहले लिखा जाता है माइनस आगे हम दूसरा लिख रहे हैं, मतलब डायरेक्शन इसकी तरफ है z1 की, z2 से z1 की तरफ का डायरेक्शन, ठीक है, जो हम वेक्टर में करते हैं। एक तो ये वाली बात हुई बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं एंगल बिटवीन, ये तो लाइन की बात हुई कि कोई भी लाइन को अगर केवल z लिख देगा तो z किससे ज्वाइन कर रहा है ओरिजिन से, कुछ और लिख देगा सबट्रैक्शन में तो किससे ज्वाइन कर रहा है किसी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और उससे जो लाइन बन रही है वो एंगल बना रही है थीटा, ये बात समझ में आई हो। अब हम दो केस बनाते हैं, क्या, एंगल बिटवीन लाइन, किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल, तो समझना सभी को समझना, पहले मैं ओरिजिन के साथ ले रहा हूं, ये था मान लो z1 ये था z2 ओरिजिन पे ज्वाइन किया, ठीक है, तो मैं कहूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना है थीटा 1, मतलब ये अपन ने एंगल बनाया दिस इज थीटा, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना है थीटा 2, मतलब ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा 2, तो ये कितना हो गया इट इज थीटा वन माइनस थीटा टू, इसी को हम थीटा बोल देते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इक्वल टू क्या है थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, मतलब जेड वन से जेड टू जो पहले लिखा होता है वो फाइनल, इसको पढ़ते कैसे मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको इस केस को मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो दोस्तों,
बहुत टफ चीज नहीं है, बस समझने वाली चीज है। मैंने आपको यहां तक बता दिया कि हमने ये Z1 लिया, ये Z2 लिया। मुझे उम्मीद है कि लोग सीखना चाहते हैं, मैं उसी तरफ से तरह से सिखा रहा हूं। ये थीटा वन, ये थीटा टू, तो दिस वन इज थीटा वन माइनस थीटा टू, इसी को हम थीटा बोल रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना था, थीटा वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना था, थीटा टू, दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू होता है थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, अब इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि एक था, अब ये तो ठीक है, ये तो डेरिवेशन था, एक्चुअल में ऐसा बना लेंगे कि ये वाला एंगल है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, इसलिए ये थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव है, ये मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो अगर थीटा पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो थीटा वन का रोटेशन थीटा टू की तरफ हो रहा है, इट इज फाइनल, इट इज इनिशियल, ठीक है। मतलब Z1 पहले आ रहा है, Z1 ज्यादा एंगल बना रहा है, Z2 कम एंगल बना रहा है, उनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तब यही प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्रॉपर्टी बनती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, इसको ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो जो ऊपर लिखा हो फाइनल होता है जहां तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये इनिशियल होता है, जो डिनोमिनेटर होता है जहां से शुरू किया होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल है थीटा है, इसको ऐसे रीड करते हैं। अब इसको अगर मैंने थीटा वन को ऐसे रीड किया तो आपको बुरा तो लगेगा नहीं, मतलब Z1 को जीरो से ज्वाइन करके, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को भी अगर मैं Z2 माइनस जीरो थीटा वन ऐसे किया, तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखा, तो मैं अगर लिख रहा हूं Z1 माइनस जीरो अपॉन Z2 माइनस जीरो इक्वल टू थीटा, इनके सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि Z1 का, Z1 को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा था, ठीक है, हमने इनिशियली यहां से शुरू किया Z2 से, Z2 को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो शुरू की लाइन, उसको कितना रोटेट किया, उसको उससे कितना एंगल बनाया, यहां तक पहुंचे हम फाइनल तक, ठीक है। कितना एंगल है थीटा, मतलब अगर मैं और क्लियर करता हूं, मान लो ओरिजिन ना लेके हमने ऐसे ले लिया, दिस Z1 Z2 और ये Z3 है, और ये एंगल थीटा कर दिया। अब ओरिजिन की जगह Z3 है, तो ओरिजिन की जगह Z3 आएगा, तो आपको लिखा हुआ ऐसा कुछ मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 डायरेक्शन ये देंगे। तो इनिशियल, इनिशियल ये था Z2 माइनस Z3, फाइनल था Z1 माइनस Z3, कितना एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। आप कहें कि सर ये कहीं यूज होंगे क्या, यूज हुए हैं भाई, ये यूज हुआ है जेई मेंस में, इसलिए बता रहा हूं मैं, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाऊंगा, गारंटीड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया हो। अब इससे एक प्रॉपर्टी और जनरेट हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रोटेशन भी, एक रोटेशन करके एक पार्ट है जो जेई मेंस में कहीं पूछा नहीं गया, एआईडब्ल्यू में तक 2013 से अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा हूं, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है जो याद रखिए कि इफ जेड वन जेड टू जेड थ्री आर दी वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, अगर Z1, Z2, Z3 क्या है, वर्टाइसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ध्यान रखिएगा काम चीजें, ठीक है, तो उनके स्क्वायर का सम उनके प्रोडक्ट के सम के बराबर। क्यों आया, कैसे आया, आया इसी से बच्चों, मतलब ये मैं अगर यहां पे 60 डिग्री एंगल बोल दूंगा, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट को कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कन्वर्जन आपको तब आएगा जब अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये करके बता सकता हूं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, जेई मेंस में पूछा है इस पर क्वेश्चन। तो यहां तक भाई सबको समझ में आया हो, ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फिर से याद दिलाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। देन अब हम आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना भाई, फिर इनका कन्वर्जन सीखेंगे। फर्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोल रहा है, जो अभी तक हमने पढ़ा सब कार्टेशियन फॉर्म था, मतलब हमने z को लिखा x प्लस आई वाई, जेड यहां पर था, इसको ज्वाइन किया, ये y, ये x, ये थीटा, ये मॉड्यूलस ऑफ z, सो मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट थीटा, क्योंकि हमें मॉड्यूलस ऑफ आर्ग्यूमेंट आता है तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं इससे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड आएगा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, अब हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की, एक ही बात है, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। उसमें क्या होता है, पोलर फॉर्म जो होता था कभी, पोलर फॉर्म अब तो सिलेबस में ही नहीं रहा लेकिन समझे, पोलर फॉर्म में क्या होता था, एक पॉइंट दिया होता था जिसे हम ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है, और एक लाइन दी होती थी बस। अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता, मान लो पी पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस आर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका एंगल थीटा बस, और यहां पे आर कॉमा थीटा से दिखाते थे, वो एब्सिस या ऑर्डिनेट नहीं होते थे, बस रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर फॉर्म में हमें केवल एक लाइन और एक पॉइंट चाहिए होता था, उसे किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करके हम आर और थीटा से रिप्रेजेंट करते थे उसकी लोकेशन। अब लेकिन जब इसको इससे कंपेयर करना है तो मैं यहां पर वाई एक्सिस बना दूंगा, इसको परपेंडिकुलर डाल दूंगा, आर अगर ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी थीटा ये है, और ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो हमें दिखेगा एक्स इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो जेड कितना हो गया, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई था ना, x और y की जगह वैल्यू रख दी, तो z इक्वल टू आ गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, z r cis थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, cis थीटा, c फॉर cos प्लस i फॉर i इंटू साइन, i फॉर iota sin थीटा, cis थीटा भी लिखते हैं। अब इसमें खासियत क्या है, अब इसे आने से क्या फायदा, जैसे z स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर। अब डी मॉर्वे यहां से चालू हो जाता है, डी मॉर्वे थ्योरम कहती है कि जो भी पावर होगी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में वो एंगल को मिल जाएगी, मतलब आर स्क्वायर इसको लिख दूंगा मैं cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर z की पावर माइनस वन करोगे, z की पावर हमने लिखी माइनस वन, पावर माइनस मतलब वन बाय z, तो r की पावर माइनस वन हो जाएगी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर भी माइनस वन हो जाएगी। अब माइनस जाओ अपन एंगल में देंगे, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होगा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होगा, तो यहां पर हम आर की पावर माइनस वन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो डी मॉर्वे ने हमें यही बताया कि इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है, ठीक है, आई साइन एन थीटा होता है। ये बोल के डी मॉर्वे जो है वो भगवान बन गए कुछ सालों के लिए, जब तक एक्सपोनेंशियल की सीरीज जनरेट नहीं की गई। लास्ट फॉर्म यूलर्स आइडेंटिटी, यूलर्स आइडेंटिटी, ठीक है, या आप कहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहता है कि भाई जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है, जो आप लिखते हो वो क्या होता है, बेसिकली ई की पावर आई थीटा होता है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो आप लिख रहे हैं वो कुछ नहीं है, केवल क्या है, ई की पावर आई थीटा है। तो अब क्या फर्क पड़ रहा है, वो कहता है कि ये डी मॉर्वे कौन है, यूलर्स पूछता है डी मॉर्वे कौन है, वो इस डी मॉर्वे, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर के लिए बता रहा है, इसने नेचुरल नंबर क्यों बोला है इनको, क्योंकि इसने जो प्रूफ किया था मैथमेटिकल इंडक्शन से किया था। अब यूलर्स कहता है हु इज डी मॉर्वे, अगर आपने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर
एन कर दिया तो यूलर कहता है ई की पावर आई थीटा होल पावर एन हो गया भाई, ई की पावर आई एन थीटा हो गया। तो अब आई के साथ यहां पे थीटा आ रहा था तो एंगल में थीटा जा रहा था, आई के साथ यहां पे एन थीटा हो गया तो एंगल में एन थीटा चला जाएगा। तो इसमें नेचुरल नंबर बोलने की जरूरत है, एन बिलोंग्स टू रियल, कोई भी रियल वैल्यू ले लो। लेकिन ये बेचारा डी मॉर्गन नहीं बोल पाया ये, क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं था, इसके पास प्रूफ था। तो यहां से अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा या इसको कन्वर्ट कर लूंगा पोलर फॉर्म में, तो जेड इक्वल टू होता है आर इंटू ई की पावर आई थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह, ठीक है। सो इट इज आर इंटू ई की पावर आई थीटा होता है। अब यहां पर आर जो है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है और थीटा जो है वो माइनस पाए से पाए के बीच में जनरली लिया जाता है, आप जीरो से टू पाए भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन जनरली जो यूलर्स में ई की पावर में लिखा जाता है थीटा, वो जनरली किस में लिया जाता है, वो माइनस पाई से पाई के बीच में एम्पलीट्यूड में लिया जाता है, ऐसा किया जाता है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो यहां तक ये रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन वो सीख लो। तो देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आए, आपको यूज हो इसका। जेड इक्वल टू वन माइनस आई थीटा, वन माइनस आई ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसका इसे यूलर्स फॉर्म में करो, मतलब हमें z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा की टर्म में चाहिए, मतलब इसका मॉड्यूलस आर्गुमेंट निकालना है वो तो हम निकाल सकते हो, ठीक है। इसे कैसे लिखे, r क्या होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z इक्वल टू ये हो गया रूट टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब e की पावर आई थीटा में लिखना है, तो थीटा क्या होता है अल्फा, अल्फा पहले निकालो टेन इनवर्स मॉड ऑफ माइनस वन अपॉन वन, तो इट इज टेन इनवर्स वन मतलब पाई बाय फोर, और किस क्वाड्रेंट में है भाई, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई से पाई के बीच में। पुराना अगर याद हो जिन लोगों ने भी लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है भाई, ये वाला वीडियो भी देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस ऑफ पाई माइनस, ये होता था, कैसे होता था लास्ट वाले वीडियो देखें उसमें समझ में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है, अल्फा आ गया है पाई बाय फोर, तो ई की पावर माइनस आई पाई बाय, ये आंसर होगा। अब ये भाई क्या करता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको शक्ल दिखाता हूं, बोलेगा वन माइनस आई होल पावर इलेवन, वन माइनस आई होल पावर इलेवन, कहेगा फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का आर्ग्यूमेंट निकाले, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब कैसे शुरू करेंगे, तो पहले जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो ना बच्चों उसको पहले बना लो, तो हमने ये बना लिया यूलर्स फॉर्म में, ठीक है, ये तो रूट टू की पावर इलेवन और ई की पावर माइनस आई इलेवन पाई बाय। अब आप क्या करो, इसे पहले कॉस और साइन में, आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, इसको जो भूल जाते हैं इसको याद रखें, ये आई के साथ क्या रहा है थीटा, तो इसे हम लिख लेंगे ई की पावर माइनस इलेवन पाई बाय फोर आई, इट इज कॉस माइनस इलेवन पाई बाय फोर, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो इलेवन पाई बाय फोर माइनस आई साइन इलेवन पाई, ठीक है यहां तक। अब तुम्हें तुम्हें अगर आर्ग्यूमेंट बोलना है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट साइकिल में होगा या माइनस पाई से पाई होगा, इसे रिड्यूस करना है, तो इसका बेस्ट तरीका एक ट्रिक है, वेरी वेरी आईएमपी ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो बता रहा हूं, ध्यान से सुने, मैं ये बोलता हूं इसमें क्या करें, जो भी बनाए टू पाई माइनस, जो भी अंदर एंगल बनाएंगे, ये जो एंगल है इसे रिड्यूस करने के लिए जो भी कुछ करेंगे, 2 पाई माइनस 2 भी नहीं, 2 पाई भी नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट कीजिएगा हमेशा, अगर आपको एक बार में रिजल्ट चाहिए, और जितने नियर जा सकते हो नियर जाना, ठीक है, मगर बनना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा 4, देखो 4 टू जा 8, ठीक है, 4 टू जा 8 करेंगे अगर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई प्लस 3 पाई, और इट इज टू पाई प्लस थ्री पाई बाय फोर, लेकिन इसमें जो रिमाइंडर बचा वो थ्री पाई बचा, इसकी बजाय
अगर हम 3 पाई लें तो 12 बन रहा है, 4 3 जा 12, तो 12 पाई माइनस पाई, ये ज्यादा आसान पड़ेगा ना, ठीक है, 3 पाई माइनस पाई बाय 4, भाई ये ज्यादा नियर पड़ेगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, ऑड लेना है या इवन लेना है, इवन लेना है तो इवन ले, इसको लेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है, भले ही ये नियर पड़ रहा है लेकिन ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पड़ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लेना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेके करेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा, आदत बना लें काम आएगी, 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस आई साइन 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, अरे फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गया, 2 पाई प्लस थीटा तो कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस आई साइन 3 पाई बाय 4, ठीक है, अब आपको सिखाया कि अगर यहां पर माइनस आ रहा है इसका मतलब है ये है e की पावर माइनस आई 3 पाई बाय 4, एग्री है, क्योंकि याद रखिए e की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो e की पावर माइनस आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि माइनस यहां पे ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बना, अब माइनस 3 पाई बाय 4 जो है इसका आर्ग्यूमेंट होगा, क्यों कहां पर आएगा माइनस 3 पाई बाय 4 यहां पर आएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है, ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, अगर कोई कहे कि सर हमारे पास जो ऑप्शन हुआ वो नेगेटिव में नहीं हुआ तो हम क्या करें, क्योंकि आपने तो क्लॉकवाइज ले लिया, मान लो घर से जाना होगा तो क्या करें, कैसे रिजल्ट दें, तो हमेशा याद रखना अगर कोई रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा हो और आपके पास ऑप्शन पॉजिटिव में हो, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में आ रहा हो और आपके पास ऑप्शन पॉजिटिव में है, तो जो भी नेगेटिव में हो उसमें 2 पाई ऐड कर दीजिएगा, उसमें 2 पाई ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 4 8 5 पाई बाय 4, ये भी आर्ग्यूमेंट है, ये अपन ने एंटी क्लॉकवाइज लिया, इधर से अपन क्लॉकवाइज चलते हैं, मेरी बात समझ में आई हो, तो इस तरीके के जब पावर वाले केस आएंगे तो आपको जब भी क्वेश्चन बनाओ जो भी आ जाए पावर में उसको इस तरह से रिड्यूस करना है, उसको कॉस साइन में लेके इस तरह से रिड्यूस करना है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा बनाना है, जितने नियर आप पहुंच पाए उससे डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाए, ठीक है दोस्तों, ये बताने के बाद ये कन्वर्जन था कि कभी आपको जरूरत पड़े तो, एंड द लास्ट वन इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, ये और मैं बता रहा हूं और इसे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखना भाई, बहुत बड़ा गैप है मेंस और एडवांस में, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, आप ये अपन दो लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा के 15-20 मिनट 25 मिनट में आधा घंटे का क्लास वो था जिसमें थ्योरी बताई थी, 20 मिनट 25 मिनट की ये थ्योरी बता रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं रुकेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जैसे मान लो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 बोलते थे हम, वैसे जेड लिख लो, इसे एक्स मत लिखो, जेड क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब, इसका रूट लगाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा किसका, यूनिटी मतलब 1 का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको इधर लिया जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसका आंसर 1 होता था, हम कहते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखते हैं तो एक्स तो 1 होता है, वो रियल वैल्यू होती है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इमेजिनरी रूट्स भी निकालने हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है, एक आ गया दिस, अब देखो ये हम छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका डी लेस देन होता है, लेकिन इसे ना छोड़ें, तो अगर आप इससे निकालेंगे वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2 आएगी, ठीक है, तो एक रूट हो गया 1, एक हो गया माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और एक हो गया माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, यही यही ओमेगा कहलाता है और यही ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, ठीक है, इसी को ओमेगा बोलते हैं और इसी को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, कैसे याद करें, ऐसा केवल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है कि जो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है कि जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पॉसिबल है, ठीक है, तो यहां पर अब ऐसे याद ना करके मैं आपसे कहूंगा ये याद रखें कि अगर कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आता है, मैंने पहले भी ये बताया है, तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अरे ये दोनों इसी से आए, इससे अगर कभी ऐसा हो जाएगा तो इसके रूट्स जो होंगे वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, इनको याद रखिए,
अब इनके nth रूट ऑफ यूनिटी भी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कहीं यूज नहीं होता, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा आप कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू का पढ़ें, जितना पढ़ा दिया है उससे क्वेश्चन बना के देखें, ठीक है। कहीं दिक्कत आ रही हो तो फिर मैं सैटरडे को ओपन करूंगा, ठीक है। जो डाउट टाइम डाउट मैंने आपके आपसे बोल रखा है कि टेलीग्राम ग्रुप पर जाके खुद को फोकस करके जो भी मैंने पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन लगा के कुछ भी यही। और कई लोग एडवांस के प्रॉब्लम डाल रहे हैं, एडवांस के प्रॉब्लम की अगर आपने ज्यादा एडवांस का प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा बहुत मेन से थोड़ा सा ऊपर है तो मैं बता दूंगा, उसका जवाब दे दूंगा मैं। एडवांस के लिए तुम्हारे पास फुर्सत मिलेगी तुम्हें, और मुझे भी फुर्सत रहेगी कि मेंस का मेरी जिम्मेदारी मेंस की खत्म हो गई, अब मैं एडवांस पे हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। तो जो भी डाउट डालें, जो भी आप मेंस के लिए लगा रहे हैं, मैंने तो आपको फोकस करने के लिए कहा है कि पिछले 3 साल के पेपर और इस साल जो भी आया है वो क्वेश्चन लगा लें, वो मोर देन सफिशियंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। और आप करने की कोशिश करोगे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो उनमें कोई डाउट आ रहा है वो डाउट डालें, उत्तर डिस्कस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां तक होने के बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो कहा, हाँ ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है 16 मार्च 2021 का, मतलब लास्ट ईयर का, ठीक है। मुझे याद नहीं है कि मैंने इस साल के क्वेश्चन लिए हैं या नहीं, लेकिन पिछले 3 साल के जो मुझे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखे अलग अलग वैरायटी के, वो सारी वैरायटी आपके सामने रख रहा हूं। हमसे कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मॉड्यूलस ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1 सेटिस्फाई दिस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू। तो यहां पर सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, लॉग को। लॉग बेस 1 से छोटा है, बच्चों ध्यान रखना, अगर बेस 1 से छोटा होता है तो क्या कंडीशन होती है, बेस अगर 1 से छोटा होता है तो जब आप लॉग हटाएंगे ये इधर जाएगा और इसे पुश करके पावर में लेगा, साइन चेंज हो जाता है। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो साइन सेम रहता है लॉग हटाने पर, बेस 1 से छोटा होता है तो लॉग हटाने पर साइन चेंज हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस। ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जेड। मैं चाहूंगा खुद से इस वीडियो को पॉज करके खुद से बनाए, आपका मन क्या कहता है मुझे नहीं पता, ठीक है। कई लोग मुझसे मिलते हैं, ठीक है, कई बच्चे आज ही मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने सब कुछ पढ़ा, हमने सारा आपको फॉलो किया, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता, अपने अंदर झांकिए, ठीक है। मैं अभी भी देखता हूं कि ये जैसे आधा घंटे का वीडियो होता है, इस आधा घंटे के वीडियो में कितना बच्चा था जिसने पूरा वीडियो देखा, तो जितना बच्चा भी पूरा वीडियो देखता है ना, पूरा एनालिसिस आता है आजकल, एवरेज भी आता है, सिंगल भी आता है। मैं तो सिंगल देखता हूं कि कितना ऐसा बच्चा था जिसने पूरा वीडियो देखा, तो जिसने पूरा वीडियो देखा है ना, वो जितने बच्चे होते हैं ना उतने बच्चों का मेंस फर्स्ट पार्ट में भी मैं देख चुका, उतने बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं मैथ्स में। तो जब आप किसी को भी ईमानदारी से फॉलो करोगे जो आपका थोड़ा सा भी भला चाह रहा है, उसकी बात पूरी सुनोगे, तो आपको फायदा होगा ही होगा। मैंने साइन चेंज कर दिया, ये बन गया है क्या, मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस 11 बाय मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया 1/2। इसको उधर ले लें, अभी आज ही एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया है कि उसका ISI का जो पेपर था वो क्वालिफाई कर गई है और उसका इंटरव्यू है। मेरी पूरी दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है, कि वो अच्छा करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, आगे चल के देश के लिए सेवा करे, खुद का भला हो। अब देखो ये बन गया है, इसको हटा सकते हो, क्यों, मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं हो रहा और होल स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जो नॉन जीरो है उसे हटा सकते हैं, उसे हटा दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 times ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 22 माइनस मॉड्यूल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस। बच्चों इसको इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, ये और ये प्लस 4 था तो ये माइनस 4 times ऑफ मॉड्यूलस जेड हो गया, ये 22 माइनस 21 तो माइनस 21 हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है 7/3 था, ठीक है, माइनस 21 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, देन दिस इज मॉड्यूलस जेड माइनस 7 एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस 3। बच्चों ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है,
मॉड्यूलस और मॉड्यूलर हमेशा पॉजिटिव है, प्लस थ्री हमेशा पॉजिटिव है, तो दो क्वांटिटी है जिनमें से उनका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, तभी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। हमें दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, एक ऑलरेडी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 7। अब इसमें तो जितना भी मैंने सिखाया है उसमें से कुछ भी नहीं लगा, ये तो डायरेक्ट बना, ठीक है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़े, तो डरना नहीं बस। हाँ, अब इसमें थोड़ा सोच लगाते हैं, क्या सोच बनता है देखते हैं। क्या बोल रहा है ये 2021 का 17 मार्च का पेपर का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हूज वर्टाइस इज दिस, ठीक है, आपने पढ़ लिया हो, इसका एरिया निकालना है मॉड्यूलस के टर्म में। मेरी माने केवल इतना सा करें कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जो डिस्टेंस बताया मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू करके, पहले साइड्स की लेंथ निकालो, ए बी लेंथ, ए बी की लेंथ क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ दिस माइनस दिस, जेड माइनस आई जेड, ठीक है, जेड कॉमन आ गया इंटू वन माइनस आई। आपको सिखाया मॉड्यूलस जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन इंटू मॉड्यूलस ऑफ जेड टू, एग्री, तो ये कितना हो रहा है, इसका मॉड्यूलस रूट टू, तो रूट टू टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड, ये आ गया क्या ए बी। शांतिपूर्वक करिएगा क्वेश्चन, कोई गलती नहीं, अगर समझ में आ गया है तो पॉज करो वीडियो, बीसी और सी ए खुद निकालो, फिर खुद सोचो क्या आ रहा है, खुद से बना यार, मजा आ जाएगा। बी सी, बी सी इट इज आई जेड माइनस जेड प्लस आई जेड, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये प्रॉपर्टी बताइए, माइनस आई माइनस जेड इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है, ये हो गया बी सी। अब ए सी, ए सी दिस माइनस दिस, सो इट इज जेड माइनस जेड प्लस आई जेड, सो दिस इज, दिस विल बी कैंसिल आउट, इट इज माइनस आई जेड, सेपरेट कर दो, मॉड ऑफ माइनस आई मॉड ऑफ जेड, आई का मॉड्यूलस वन होगा, अरे आई का मतलब क्या है, माइनस आई का मतलब ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस, वन पे, दिस इज माइनस आई, दिस डिस्टेंस इज वन, ठीक है, सो इट इज वन, सो इट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो ये क्या बन रहा है, अब देखो ये और ये सेम है, तो हम कहेंगे दो साइड सेम है, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड, और अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो ये आ रहा है रूट टू टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब ये क्या है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया क्या हो गया दोस्तों, क्या हुआ इसका एरिया, हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड इंटू मॉड्यूलस ऑफ, तो हाफ ऑफ मॉड्यूलस जेड स्क्वायर वन बाय टू। अब क्या है ऐसा क्वेश्चन में कि तुमसे नहीं बने, मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने जितना आपको बताया आज मैंने प्रॉपर्टी बताई है, वो प्रॉपर्टी आप सिंपल तरीके से लगाएं, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन बनाएं, जरूर समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, आइए। हाँ जी, S1, S2, S3, S1 क्या दे रहा है, वी आर थ्री सेट, S1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, S2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस वन लेस और इक्वल टू रूट टू। अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, मैंने सिखाया आपको मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू R, अगर किसी ने पुराना वीडियो देखा हुआ है तो आप बता पाएंगे कि ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है, ठीक है, रियल वैल्यू आ रही है, मॉड्यूलस Z माइनस A का मतलब बताया था, और जिसकी रेडियस रूट टू है उसके अंदर के सारे सर्कल के, ये 0 ये 1 सेंटर 1 है, रेडियस रूट टू है, तो कुछ ऐसा चल रहा होगा, ठीक है, मतलब ये सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है रूट टू स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, रियल पार्ट ऑफ दिस, अब कभी भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं पढ़ाई, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कभी भी लीनियर फॉर्म आए ना जेड की, ठीक है, आपको क्या इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, तीनों में ऐसा कर सकते हैं कि एक्स प्लस आई वाई रख दें उससे आंसर आ जाता है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है तो आप बना सकते हैं। देखो इसको मैं बनाता हूं, बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ दिस, तो पहले लिख तो लो एक्स प्लस आई वाई जेड की जगह एक्स, अब इसका रियल पार्ट निकालो केवल, तो रियल पार्ट वन का मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस आई वाई माइनस आई का मल्टीप्लाई माइनस आई एक्स और माइनस आई स्क्वायर वाई, तो ये आ गया एक्स, आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो एक्स प्लस वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स, हमसे इसका क्या पूछ रहा है केवल रियल पार्ट, तो ये पूरे की जगह मतलब रियल पार्ट ऑफ वन माइनस आई टाइम्स ऑफ जेड
इज नथिंग बट एक्स प्लस आई एक्स प्लस वाई, और ये क्या है वन या वन से बड़ा है। तो स्ट्रेट लाइन वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन है, वाई का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन का साइन मतलब लाइन के अबव, अदरवाइज लाइन के बिलो। अब इसका इंटरसेप्ट ये तो वन है, इधर वन कहां मिल रहा है तो पहले इसको देख लें ये कहां पे कट कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होती है जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो डाल दो, वाई की वैल्यू प्लस माइनस बना रही है, एक्स की वैल्यू जीरो सर्कल में डाल दो वन घर जाएगा, वाई की वैल्यू प्लस माइनस वन, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट वन वन है और ग्रेटर मतलब इस लाइन के बिलो। अच्छा अब सर्कल के अंदर था, सर्कल के अंदर था ये पूरा एरिया था, ठीक है, मगर इस लाइन के क्या है अबव है, मतलब ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई होता है, इमेजिनरी पार्ट मतलब वाई, वाई क्या है लेस और इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन लाइन पता है ना, ये वन होगी वाई इक्वल टू वन लाइन, इसके बिलो तो इसके बिलो ये वाला एरिया भी आ गया। तो कॉमन एरिया तीनों का कॉमन एरिया ये पूरा आ रहा है, ये कह रहा है एस वन इंटरसेक्शन एस टू या इंटरसेक्शन एस थ्री, मतलब तीनों में कॉमन एरिया कितने सॉल्यूशन आ रहा है तीनों में, इधर सिंगलेटन ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आएगी क्या नहीं, कितनी वैल्यू आएंगी इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, अरे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे यहां पर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए, अगर आप समझते हैं इस चीज को कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, लीनियर फॉर्म है एक्स प्लस आई वाई रखें, इसमें भी एक्स प्लस आई वाई, इसमें भी एक्स प्लस आई वाई रख सकते थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जेड वन जेड टू बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड जेड वन जेड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ओरिजिन, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, क्या करें शुरुआत कैसे करें। हाँ भाई ये शायद गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सारी शिफ्ट वन कर दिया, ये शिफ्ट वन का नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए होंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा ये 2020 का होगा शायद, या तो 2020 का होगा शायद, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये सारे मैंने प्रिय जी मेंस की प्रॉब्लम लिए है, ठीक है, इसको अदरवाइज लें, अदरवाइज मत लें। जेड वन एंड जेड टू आर द रूट्स ऑफ दिस, मतलब जेड वन एंड जेड टू खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, जो मैंने पढ़ाया है उसको फॉलो करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। जेड वन प्लस जेड टू क्या होगा दोस्तों, माइनस अल्फा माइनस बी बाय, एंड जेड वन इंटू जेड टू क्या होगा सी बाय मतलब 12, ठीक है, ये दोनों पता है। अब ये कह रहा है कि जेड वन जेड टू एंड ओरिजिन इक्वल ट्राइंगल की वर्टाइसेस है, तो मैंने आपको बताया था अगर जेड वन जेड टू जेड थ्री, जेड वन जेड टू जेड थ्री अगर वर्टाइसेस होते हैं तो जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इक्वल टू जेड वन जेड टू Z2, Z3 और Z3, Z1 ये होता है, सबकी वैल्यू रख दो तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर जीरो, Z1, Z2 बचेगा, बाकी Z3 की अगर जीरो रखेंगे सब जीरो। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं, इसका वैल्यू लगा देंगे बस इतना ही करना है, टू जेड वन जेड टू इक्वल टू, तो जेड वन प्लस जेड टू इज माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बचेगा, सो इट इज 12, सो अल्फा स्क्वायर इज 36। अच्छा ए था क्या, अल्फा लिख देता हूं फिलहाल इसे, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा या अल्फा इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 6 या मॉडुलस ऑफ अल्फा होगा, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। मेरी बात सब लोगों को समझ में आई हो अच्छे से, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये 18 मार्च का, वो 18 मार्च का होगा शायद, ठीक है, शिफ्ट वन का, वो 17 मार्च लिख गया है गलती से, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर बी डब्ल्यू इक्वल टू दिस, लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बी द सेट सच दैट दिस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इज पाई बाई टू, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ओरिजिन एंड दिस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ये देखो कि इसका मॉड्यूलस कितना आ रहा है, इसका मॉड्यूलस आ रहा है 2, ठीक है, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे, अगर मैं इसको लिख दूं मॉडुलस ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा, अगर इसकी अगर 2 पुट कर दूं तो 1/2, ठीक है भाई। अगर ओरिजिन ओरिजिन लिया है जेड वन, जेड और डब्ल्यू लिया है जो भी जैसा भी बन रहा होगा, उनको ज्वाइन करके अगर ट्राइंगल बना रहा है तो मॉडुलस लगेगा ना साइड्स की लेंथ, ये दो साइड तो आ गई, एक 2 आ गई एक 1/2 आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था
ये ऑर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस ऑर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू का क्या मतलब होता है, इक्वल टू थीटा। हम इसे ऑर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू थीटा भी लिख रहे थे। इससे क्या मतलब निकल रहा था कि ये जेड वन है, ये जेड टू है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और ये एंगल कितना बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है थीटा। ठीक है, तो इसका इसके अगर पोजिशन हम बता सकते हैं, अरे कौन सा क्वाड्रेंट है, वन कॉमा रूट थ्री, ये यहां पर कहीं आ रहा है, वन कॉमा माइनस रूट थ्री, ये यहां पर है, कितनी डिस्टेंस है, टू। ठीक है, ये है डब्ल्यू। अब बोल रहा है ऑर्ग्यूमेंट ऑफ, हम इसे ऐसे लिख लेंगे जेड बाय डब्ल्यू इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब इनिशियल ये फाइनल ये है, ये इनिशियल है, मतलब हम यहां पर खड़े हैं और यहां से हम कितना रोटेट कर रहे हैं, तो बच्चों ये कितना एंगल है, ये छोड़ो कितना रोटेट करना है, पाई बाई टू, पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे तब हमें जेड मिल रहा है। हमें जेड की वैल्यू नहीं पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता है, नहीं पता हो, हमें तो मैग्नीट्यूड पता है, ये कितना एंगल है बच्चों, पाई बाई टू, ये वन बाई टू, इसको ज्वाइन कर लिया। अब तुम्हें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस ओरिजिन जेड एंड डब्ल्यू, इसका एरिया निकालना है। हमें दिख गया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इज टू, हाइट इज वन बाई टू, दिस इज एरिया, आंसर इज वन बाई टू। अरे चमक रहा है सबको, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो हमने सीखा है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट की बताई, ये मैंने मॉड्यूलस की बताई, बस वही लगा रहा हूं और आंसर ला रहे हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मेरे ख्याल से और बचा हुआ, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बचा है। तो इस क्वेश्चन को देखें, क्या बोल रहा है, लाइंस दिस एंड दिस, आई स्क्वायर माइनस वन, बी अ नॉर्मल टू द सर्कल, एक सर्कल है सी, दो लाइन है जो उसकी नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल्स किससे किस पे इंटरसेक्ट करती हैं, सेंटर पे। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लूंगा तो मुझे सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर मिल जाएगा। और क्या कह रहा है, इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल, अब कोई लाइन जा रही है इस तरह की, ठीक है, ये लाइन, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स प्लस आई वाई रखूंगा, बस दैट्स इट, उससे आंसर आ जाएगा। अगर ये लाइन जो है ये टेंजेंट है इसकी, तो हमसे क्या पूछ रहा है, देन द रेडियस। तो बच्चों अगर मुझे सेंटर मिल गया, मुझे लाइन की इक्वेशन मिल गई, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या निकालूंगा, रेडियस निकाल लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही हो, ठीक है, तो कैसे शुरुआत करें, पहले से x प्लस आई वाई में लिखें, तो 2 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई, 2 प्लस आई एक्स माइनस आई वाई, पहली लाइन सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट करो, ये काम करो ना, एक इजी तरीका बताता हूं, एक्स प्लस आई वाई, देखो सबसे इजी मेथड बताता हूं जल्दी बनने का, स्ट्रेट लाइन में हमेशा लगता है, नहीं लगे तो x प्लस आई वाई लग के लग सकते हैं, मैंने पूरे को उधर लेके यहां पे माइनस आ गया ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखना, टू जो है, जो टू लिखा हुआ है, टू माइनस आई के साथ x ले रहे हैं, टू प्लस आई के साथ x ले रहे हैं, या तो आप ऐसे बनाए, या तुम ऐसे बनाओ कि टू और टू वाला पोर्शन ले लो, तो टू टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, यहां पर आ गया एक्स प्लस आई वाई, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, इधर माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो माइनस 2x प्लस 2iy, सॉरी 2 पूरे में से निकाला हुआ है, ठीक है, मैंने 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में 2x प्लस i2y, और माइनस 2x का इस पूरे में, तो माइनस 2x प्लस 2iy। ठीक है, फिर माइनस i का मल्टीप्लाई इसमें, माइनस आई स्क्वायर वाई प्लस, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस आई एक्स। ठीक है, माइनस आई का इस पूरे में, और ये भी माइनस आई का इस पूरे में, सो इट इज माइनस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, ये हो गया, ये थोड़ा जल्दी बन रहा है, देखो 2x से 2x कट गया, तो ये हो गया 4y i, और इधर देखो ये कैंसिल हो जाएगा किससे, आई स्क्वायर, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आई टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो बच्चों आई हटा दें अगर, तो बेसिकली आ रहा है फोर वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू टू वाई लाइन आ गई, एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन भी निकाल लें, कैसे निकालें, फिर वही
इसमें x प्लस आई वाई रख लेते हैं तो 2 प्लस आई जेड मतलब x प्लस आई वाई और 2 माइनस आई या आई माइनस 2 x माइनस आई वाई ठीक है इक्वल टू जीरो। 2 का मल्टीप्लाई पूरे में तो 2x प्लस 2 आई वाई, 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई पूरे में माइनस 2x प्लस 2 आई वाई ठीक है, प्लस आई का मल्टीप्लाई पूरे में तो आई एक्स माइनस वाई बचेगा और आई का मल्टीप्लाई पूरे में तो आई प्लस आई एक्स और प्लस वाई बचेगा। ये दोनों इससे कैंसिल और इधर ये दोनों कैंसिल ठीक है। तो इस बार क्या आ रहा है, इस बार आ रहा है हमारे पास 2 आई हटा दो तो 2y प्लस 2x इक्वल टू जीरो, नहीं इक्वल टू जीरो नहीं है माइनस 4i और था माइनस 4i ठीक है, तो माइनस 4 और बचा तो ये पूरे में कट गया तो एक लाइन आ गई है x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। बच्चे x की जगह हम 2y रख देंगे तो यहां से हमें सेंटर मिल जाएगा, x की जगह हम 2y रखेंगे तो 3y इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू आ रही है 2y3 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 नहीं 4/3 ये आ गया सेंटर 4/3, 2/3 4/3, 2/3 ये सेंटर आ गया। बच्चों इसी तरह से आप क्या करोगे ऐसे इसमें बना लो ये बन जाएगा, क्या बन रहा है देखो यहीं पे बता देता हूं, i टाइम्स ऑफ x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0 ठीक है। तो i का मल्टीप्लाई है तो i वाले टर्म ले लो, दिस इनटू दिस इट इज x i बार इधर माइनस आई वाई, ये तो आई आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा रियल पार्ट बनेगा तो y ठीक है y और प्लस 1 एक ये बना और एक इससे बनेगा इट इज माइनस y इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस x प्लस 1। अगर आप देखो दोनों सेम है तो इक्वल टू 0 तो एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट इज मॉडुलस ऑफ 4/3 माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन रूट 2 सो इट इज 2/3 एलसीएम ले लेंगे तो 2/3 इट इज 5/3 रूट 2 5/3 कुछ गलती हुई क्या 2 5 5 वाला बच्चों देखना सेंटर निकालने में कुछ गलती हो गई है तो मेरे ठीक है तो एक बार देख लीजिएगा हाँ कैलकुलेशन में गलती मैं मान सकता हूं मेरे से हो सकती है ठीक है लेकिन बनाएंगे इसी तरह से तरीका यही रहेगा आपको x प्लस आई वाई रखना जब भी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेगा हमें x प्लस आई वाई रखना और ज्योमेट्री लगानी है ठीक है बच्चों। अच्छा एक हाथ और बचा है ये और बचा है इसको और देख लेते हैं ठीक है हाँ करीबन 1 आवर का ये वीडियो बन गया है। बोल रहा है सम ऑफ दी 162th पावर ऑफ द रूट, अब देख के डरना नहीं क्या ये फैक्टराइज हो रहा है एक्स क्यूब माइनस 1। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन को तुम खुद से करके देखना अगर जो भी कैलकुलेशन हुई है मुझे दिख गया है हमें दिख रहा है कैलकुलेशन हो रही है ना क्योंकि चारों ऑप्शन अब ये कोई 2022 का क्वेश्चन नहीं था कि ऑप्शन में कोई गलती हो सकती है एक ऑप्शन सही होंगे हमसे कैलकुलेशन है मतलब मुझसे कैलकुलेशन में कोई गलती हुई होगी तो देखिएगा एक्स क्यू माइनस 1 माइनस 2x तुम लोग क्या है दूर से देख रहे होते बोर्ड को मैं करीब से देख रहा हूं थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। अब से ए क्यू माइनस बी क्यू सो इट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 माइनस 2x टाइम्स ऑफ x माइनस 1 एक्स माइनस 1 कॉमन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 सो इट इज x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस तो एक तो आ गया x इक्वल टू 1 एक रूट और ये अभी बताया था अगर z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 होता है तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। हमसे कह रहा है कि सम ऑफ 162 पावर ऑफ द रूट्स इन सब की पावर लेनी है 162 तो 1 की पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा की पावर 162 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 162 आपको याद रहना चाहिए कि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 तो 1 प्लस देखो ये तो पावर इवन है तो माइनस तो डाल दू ओमेगा की पावर 3 सम 9 आ रहा है मतलब 3 का मल्टीपल ही है तो 3 5 3 4 ठीक है ओमेगा की पावर 2 का पावर 3 कितना यही 54 तो ये भी ओमेगा पावर 6 इट इज आल्सो 1 इट इज 1 1 आंसर विल बी। तो वही बच्चों मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे समझ में आया होगा चमका होगा मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं थोड़े लेंदी हो सकते हैं कि कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगे लेकिन हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं बनाइएगा
ठीक है दोस्तों, काफी टाइम हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।